श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ प्रसंग ये चल रहा है, आत्मा को कह रहे हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी परमधाम का अनुभव करो, दर्शन करो। परमधाम की रीत भांत कैसी है, जैसे तुम ये प्रयत्न करोगे तुम्हें ये सब अनुभव होने लगेगा। ये प्रसंग चल रहा है, ठीक है। इसलिए आत्मा को कह रहे हैं, ऊपर देख तरफ बन के फल फूल बेली रंग रस। बन के तरफ दृष्टि डालो तो क्या होगा, फल फूल बेली रंग रस। फल फूल लताएं, उनके अलग अलग प्रकार के रंग और उनका अलग अलग प्रकार का स्वाद, ये सारा ख्याल आने लग जाएगा। कहूँ जड़ा वज्यो चंद्रमा, ऐसा लगता है कि वो जैसे वृक्षों की शाखाएं ना, तो ऊपर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो मानो वो चंदवा हो ऐसा लगता है। कई कटाव कई नकसा, उसमें कई कढ़ाइयाँ हैं और कई नक्काशियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की चित्रकारी ऐसी दिखाई देती है। ऐसी चित्रकारी युक्त चंद्रमा क्या ऊपर टंगा हुआ हो ऐसा लगता है। चारों तरफों चंद्रमा चंद्रमा अरश के यों कर दौड़ दौड़ के देखिए आवत यों ही नजर। रंग भवन के चारों तरफ ऐसे देखने लग जाएंगे तो ऐसे चारों तरफ मंडप बंधा हुआ है और पूरा पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। दौड़ दौड़ करके जिधर से भी देखो तो उधर से वही दिखाई देता है। फिर फिर वन को देखिए भांत चंदवा जे। बार बार वन को देखते हैं तो वृक्षों को देखते हैं, वृक्षावली को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, चंद्रमा की भांति दिखाई देती है। कहे फिर पछताता हूँ ऐसे झूठे नमूना दे। अब ये चंदवा का उदाहरण भी है, झूठा उदाहरण, दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं, तो ये उदाहरण दे करके मुझे लगता है कि सही नहीं हो रहा है, तो परमधाम का तो उदाहरण दे ही नहीं सकते, ऐसा है। एक जरा कायम देखिए उड़े चौदह तबक वजूद। परमधाम का तो एक जरा सा, एक छोटा सा कण भी हो तो उसके सामने तो ये चौदह चौदह लोक है, वो भी उसके सामने नहीं आ सकते। सिफत अरश की क्यों करे ये जुआ तो नाबूद है। तो ये नश्वर जुहा वो परमधाम की महिमा कैसे बता सकेगी। कहे सूरज सोना जवेरा ख्वाब में बुजरा कहे। जैसे स्वप्नवत जगत में सूर्य है वो बड़े माने जाते हैं, सोना कीमती माना जाता है, हीरे जवाहरात वगैरह ये कीमती माने जाते हैं। ख्वाब में बुजरा कहे स्वप्न में ये कीमती महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों पहुँचे निमुना झूठ का अरस कायम हक के। यदि इनका उदाहरण दें तो भी ये तो झूठे दुनिया के हैं, तो अखंड धाम के विषय में इनका उदाहरण भी नहीं दिया जा सकता, वो कैसे पहुँचेंगे। ये मैं देख दुख पावत दिल में विचारत यूँ। तो ऐसा देख करके कहने का तात्पर्य ये सोच करके मुझे बड़ा खेद होता है और अंदर से कष्ट भी पहुंचता है। जो कदे यूँ जान बोलो नहीं तो कहे बिना बने क्यों। यदि कभी ना बोलूं ना बताऊं तो कहे बिना फिर कैसे समझ में आ जाएगी, इसलिए कहना भी पड़ता है।
इन्हें कहे होता है रोशनी, ये कहने से क्या फर्क पड़ता है वो बात समझा रहे हैं। रुआ पावता है सुख, आत्मा को बड़ा आनंद आता है। जब बात करते हैं तो उधर दिमाग चला जाएगा, मन की वृत्तियां जाएगी, तो बड़ा अच्छा लगता है। यद्यपि दुनिया के कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं, किंतु उधर जैसे चिंतन करते हैं तो आत्मा को तो आनंद मिलता है। और इस अंग उपजे फिर हृदय में प्रेम आता है, तो अंग कहने से रोम रोम कहीं भी शरीर में, रोम रोम में वो प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। हक असं हो दसन मुखा, तो ऐसे राज्य के सम्मुख होते हैं। तो इस प्रकार हमारी वृत्ति दुनिया से हट करके धाम की ओर लग जाती है, राज्य के तरफ लगती है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तरफ। तो ये बहुत अच्छी बात है। यद्यपि दुनिया की वस्तुएं उसके लिए बताई नहीं जा सकती, फिर भी लाभ ये मिलता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमारा ध्यान उधर चला जाता है। उमंग अंग में रोशनी अलेखे उपजता, ऐसा करने से उमंग अंग में उमंग बढ़ जाता है, दिल में भी उमंग बढ़ जाता है, और ज्ञान से भी प्रकाशित होता है, परमधाम के प्रेम से भी। तो ऐसे ये रोशनी है, एक प्रकार से अपार सुख है, वो उपजता अलेखे उपजता, अपार सुख प्राप्त होता है। इन्हें कहे अरवाह अरश की अनेक सुख पावत, तो इस प्रकार की बात करने से परमधाम की आत्मा को बड़ा सुख मिलता है, तो ब्रह्मात्माओं को भी मिलेगा, तो मुझे तो मिलेगा ही, तो ये सुनने पर ब्रह्मात्माओं को भी मिलेगा। जीत जीत देखो नजरों हक अजीमे अरश वतन, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है तो वहाँ ये अखंड भूमि, परमधाम के महल वगैरह ये सब दिखाई देते हैं। कहे सेती कई कोट गुना आवत अंदर रोशन, कहने लगते हैं तो जो कुछ बताया जा सकता है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा वो दृश्य ना दिखाई देते हैं, तो वो अंदर दिल में आते हैं, उतरते हैं। कई कोट गुना बढ़ता है, बड़ा नाफा रूह जाना, इस प्रकार से आत्मा को ना बड़ा आनंद मिलता है, करोड़ों गुना आनंद बोला जाएगा वो थोड़ा, किंतु तो वो अंतःकरण में उतरेगा ज़्यादा, तो ऐसे आत्मा को आनंद मिलता है। बढ़त बढ़त हकार शकी आवत इसका पहचाना, तो ऐसे इस प्रकार से ये आनंद ये सुख बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का शाश्वत प्रेम है, तो उसकी पहचान हो जाती है। इन कहे से ऐसा होता है पीछे आवत फैल हाल, कहने मात्र से, चर्चा करने मात्र से भी इतना आनंद आता है, तो जब वो सारी बातें उतरने लग जाएगी, फैल का तात्पर्य अपने कर्म में आचरण में ये सब उतरने लग जाए, तो उसी प्रकार से हमें दिखने लग जाए, हम ऐसा ही व्यवहार करने लग जाए, तो फिर हाल, तो हमारी मनस्थिति भी वैसी हो कि जैसे लालदास जी को पूछा कि ये ताल का पाल कैसा है, ठोस है या पोला है, तो लालदास जी जहाँ बैठे थे तो वहीं पर ऐसे बजाने लगे, तो आवाज़ पोली आई, दूसरे लोगों ने भी सुना तो उनको लगा कि अंदर वो एकदम ठोस नहीं है, तो ऐसा उनको लगा, उनको दूसरे लोगों को। अब प्राणानंद जी इसलिए पूछ रहे थे, लालदास जी की परीक्षा नहीं ले रहे थे, कि प्राणानंद जी लालदास जी को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देते थे, दूसरे लोगों के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या होती थी, अच्छा होता ही है, एक ह्यूमन नेचर भी है, और परस्पर में हम भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, हमने भी तो अपना जीवन सौंपा है, तो ऐसा उन लोगों को हुआ करता था। तो प्राणनाथ जी ने उनका ये मान, उन लोगों के ये उसका उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, तो फिर एक बार ऐसे बैठे थे कहीं, तो प्राणनाथ जी पहुँचे होंगे, तो फिर पूछ दिया, लालदास जी ने ऐसे बजा करके बताया, तो लालदास जी कैसे ये बता रहे हैं, तो
तो वो उनको लगता है कि वो तो धाम में ही है, तो ऐसा अपने अनुभव में इस प्रकार का कर सकते थे। तो ये क्षमता लाललास जी में थी, दूसरों में ऐसी क्षमता नहीं थी। तो वो दूसरों को पता चले कि वो यहाँ बजा करके ये बोल सकता है, तो हम लोगों को कहाँ अनुभव है, तो अपने आप तो चुप हो जाएंगे। इस हिसाब से तो प्राणनाथ जी ने पूछा, ये जो अनुभव करने वाली आत्माएं होती है तो उन लोगों को ये हो सकता है। तो ख्वाब में कायम अरस का सुख लीजे नूर जमाल, इस प्रकार स्वप्नवत जगत में भी दिव्य परमधाम का और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सुख आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ए मेहर देखो महबूब की बड़ी रूह भेजी इत, धामधनी की कृपा को तो देखो, उन्होंने अपनी बड़ी रूह को श्यामा जी को यहाँ पर भेज दिया, हमारे लिए भेज दिया। इन जिमी रूहें जगाए के कर दई ए निस्वत, उन्होंने इस नश्वर भूमि में आत्माओं को जागृत करके समझा दिया कि देखो तुम्हारा घर है ये तो परमधाम है, तुम्हारा संबंध परमधाम का है, ऐसा ये सब समझा दिया। ए हक का दिया पाइए कौल फैल ये हाल, तो जो कुछ हम लोगों को प्राप्त है तो वो हमारे वचन में, हमारे कर्म में और हमारे उसमें हमें जो अनुभव होता है, तो ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ही मिलता है। तो सद्गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान मिला, वो उनका ही दिया हुआ है, उन्होंने ही भेजा, तब सद्गुरु आए ना, श्यामा जी सद्गुरु बन करके आई और ये सब समझाया। इस साहेब कायम देव ही कहने अरस कमाल, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो हमें इस ऐसे देने वाले ही, इसलिए कहते हैं सदा सुखदाता धामधनी, तो कहे धामधनी आप तो हमेशा सदा सर्वदा सुख प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे चिंतन करने लग जाएंगे तो कहनी अर्श कमाल, ए साहेब कायम देव ही कहनी अर्श कमाल, तो ये तो परमधाम की बात करते हैं तो भी कितने कमाल की बात हो जाती है, तो इतना आनंद प्राप्त होता है तो कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा ये समाधान दे रहे हैं। इसलिए बातचीत करें तो भी, तो बैठे बातें करें, हक के जहाँ बैठ करके बात करेंगे तो परमधाम की चर्चा होगी, परमधाम की बातें होगी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातें होंगी, तो वो सुख मिलता है, और दुनिया की बात करते रहेंगे तो वो दुख ही मिलता है। क्या एक चौपाई में कहा है, बैठे बातें करें हक की, तो बात करते हैं तो जहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं तो वही वयस्थ हो जाता है, वही अखंड हो जाता है, और दुनिया की बात करेंगे तो वो नरक हो जाता है, तो दुखदायी होता है। कि जो परमधाम की बात करें लग जाएंगे तो जिस बैठक में जहाँ बैठ कर रहे हैं तो वही धाम का अनुभव करवाने वाला हो जाएगा, और दुनिया की बात करने बैठेंगे तो वही दुखदायी होगा, क्योंकि यहाँ तकलीफ, वो तकलीफ, ये है वो है। इसलिए हमेशा अच्छी बातें ही करनी चाहिए और परमात्मा का ही चिंतन करते रहना चाहिए। जब कहनी आई अंग में तब फैल को ना ही बेर, जब कही हुई बातें दिल में उतरने लग जाएंगी तो फिर हमारी उसमें हम आचरण में जब जो कहते हैं वो बात दिल में उतरेगी तो हमारा काम भी तो उसी प्रकार से हो जाएगा ना, हमारे आचरण ऐसे ही बनेंगे, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। फैल आए हाल आई यहाँ, तो हमारा व्यवहार ऐसा बनने लग जाएगा तो हमेशा मनस्थिति ऐसी रहेगी। इसलिए ओ खेले प्रेमे पार पियासों देखन को तन सागर माई, तो ये हो सकता है, कोई भी प्रयत्न करे तो ये सब हो सकता है, तो वो कहना चाह रहे हैं। तो ये फैल आए हाल आई ले तक कायम रोशनी घेरा, तो परमधाम की रोशनी है, परमधाम का ही प्रकाश है, परमधाम के ही दर्शन है, वो हमेशा दिमाग में घूमते रहेंगे, वही गिरते रहेंगे, हृदय आनंद से ऐसे भर जाएगा।
तले से ऊपर चढ़त है जिमी की रोशन, तो परमधाम की भूमि कैसी है? तो भूमि का प्रकाश है ऊपर तक चढ़ता है और जिमी पर उतरता है, ऊपर का नूर बन और फिर वो प्रकाश ऊपर से नीचे तक उतर आता है और वो वृक्षों का प्रकाश भी तो आकाश में भी चढ़ता है और नीचे भूमि में भी चला आता है। देखो जहाँ जहाँ दौड़ के इसी भांत बन छाई, जहाँ जहाँ दौड़ करके देखते हैं तो वन की छाया ऐसे ही दिखाई देगी। जो पहले वर्णन कर रहे थे ना, वो वन की छाया ऐसी है, वो मंडप बधा हुआ ऐसा लगता है, तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जिमी बन नूर देख के सुख उपजत रुह माहे, इस प्रकार भूमि की और वृक्षों की रोशनी प्रकाश को देख करके सुख उपजत रुह माहे, आत्मा को अंदर से सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। ए बाघ अग्र दबाए अरस के, और ए बाघ अग्र दबाए जो ये जिधर देखेंगे तो ये बगीचा वृक्षावली है, तो रंग भवन के चारों तरफ भी वही वृक्षावली दिखाई देती है और वही वृक्षावली तो आगे यमुना जी के दोनों किनारों में भी दिखती है। यही बाघ गृद हाउज के वही पूरे ताल के चारों तरफ भी दिखती है। ए नूर पूर खुशबोए, ये सब नूर से पूर भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है और सुगंध ही सुगंध उसमें से निकलते, जिधर देखो तो सर्वत्र इस प्रकार के की वृक्षावली दिखाई देती है। तो ये सुंदरता चारों तरफ है। जिमी भी सब एक रस तेना में कई जुगत, भूमि भी बड़ी आनंददायी, एक रस कहने का तात्पर्य तो वो एक जैसी लगती है, तेना में कई जुगत, किंतु उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रचनाएं, पूरी भूमि तो एक ही रत्न की है तो इसलिए वो तो एक ही है, एक जैसी लगेगी जहाँ की भी, किंतु वहाँ उसकी बनावट अलग अलग प्रकार की है। जंगल में अलग प्रकार की बनावट है, यमुना जी के किनारे पर अलग है, ताल के किनारे पर अलग है और अलग अलग पहाड़ पर्वतों पर अलग है, वन प्रदेशों में अब बड़े बड़े वन हैं वहाँ अलग है, तो इस प्रकार से तो ये सब अद्भुत रचनाएँ हैं। जित जैसा रंग चाहिए तित तैसा ही देखत, जहाँ जैसे रंग होना चाहिए वहाँ वही दिखाई देता है, ऐसी परमधाम की भूमि है। रेत किनारे जोए पर और रेत जिमी पर जेती, यमुना जी के किनार पर तट पर और भूमि में जहाँ भी रेती दिखाई देती हो, ताल पाल के मोहलों पर कहो जल खूबी केती, तो जहाँ भी ये रेती दिखाई देती हो तो वो रेती भी उसी प्रकार से चमक देने वाली है और उसी प्रकार से सुगंध देने वाली है। ताल पाल कई महलों पर, ताल और पाल के, ताल के बीच के महल और ताल के पाल के महल, इन सब में कौ जल खूबी केती, उनमें जल की भी बात करें, जहाँ भी देखो सबसे वो सुगंध ही सुगंध आती है। पहाड़ जवेर केते कहूँ तले बीच ऊपर, बड़े बड़े पर्वत के जैसे भवन हैं तो उनमें नीचे से लेकर के ऊपर तक देखें तो भी कई जवेर कई रंग के, वहाँ अलग अलग प्रकार के रंग के रत्न दिखाई देते हैं। क्यों कहूँ शोभा सुंदर है, इस सुंदर शोभा का वर्णन कैसे करें, तो वो सारे एक ही रत्न के हैं किंतु उसमें अलग अलग रंग, अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज के उसमें जड़े हुए ऐसे दिखाई देते हैं। ए जिमी नूर जलाल की, जिन जानो बाग, और जैसे रंग भवन के आसपास की शोभा है ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के भवन धाम, अक्षर धाम की भी शोभा है। जिन जानो बाग, और वहाँ बाग बगीचा अलग प्रकार का ऐसा मत समझना, ऐसा ही है। यही जवेर को मंदिर ताथे एक रस सब ठौरा, तो वो मंदिर भी भवन भी अक्षरधाम भी इसी रत्न का है, जैसे परमधाम है, जैसे रंग भवन है ऐसा ही उसी प्रकार से है, वो अलग नहीं है। ना समार्या अरस को ना किए नूर मंदर, तो परमधाम को किसी ने सजाया हो अथवा तो किसी ने बनाया हो ऐसा नहीं है। ना किए हौज जुए को,
ना पर्वत बन जानवर। तो ये कहते हैं रंग भवन को किसी ने सजाया हो तो ऐसा नहीं है, और अक्षरधाम को किसी ने बनाया हो ऐसा भी नहीं है। ताल है, यमुना जी है, ये पर्वत, बड़े बड़े वृक्षों की पंक्ति, जंगल वगैरह, वहाँ के पशु पक्षी वगैरह, ये सब बनाए हुए ऐसे नहीं है। वो अक्षरातीत ने जैसा चाहा उस प्रकार से वो प्रकट होते हैं। ना समारे जिमी जल को, ना आकाश चाँद सूर्य, न तो भूमि को, ना जल को, ना आकाश को, ना चाँद को, ना सूर्य सूर्य को, किसी को भी कोई बनाता है सजाता है ऐसा नहीं है। वाओ तेज सवाहक के है कायम हमेशा नूर, वायु तेज ये सब चीज़ें ना, तो ये धामधनी की है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है कायम हमेशा नूर, वो हमेशा रहने वाली है, तो किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। बनाने वाला काम तो अक्षर ब्रह्म करते हैं, तो अक्षरातधनी तो प्रकट करते हैं, तो वो उनकी है, इसलिए वो हमेशा के लिए है। है नूर शबा नूर जमाल को, फिरस्ते नूर शिफत, तो सारा नूर है, सारा प्रकाश है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है। वो अक्षर ब्रह्म में हो, परमधाम के चारों तरफ हो, अक्षर ब्रह्म के फिरस्तों में हो, फिरस्ते नूर शिफत, जो फिरस्तों में भी नूर है तो वो उनका ही है। शिफत से शिफात, रूहे नूर बड़ी रूह को, ए सब मिला एक हक जात, तो बड़ी रूह और उनके उनकी किरण की तरह से ब्रह्मात्मा है, तो इस सारे मूल रूप से तो एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है, सब मिल करके तो एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो ये अलग अलग नहीं है। दूसरा ये तो कोई है नहीं, दूसरा तो परमधाम में कोई है ही नहीं, एक ही नूर जमाल, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो श्यामा जी है, तो ब्रह्मात्मा है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, उनसे ही श्यामा जी है, उनसे ही ब्रह्मात्मा है, उनसे ही परम धाम है, उनसे ही अक्षर ब्रह्म है, उनसे ही पशु पक्षी वगैरह सारे उनसे ही प्रकट होते हैं, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ए सब में हक नूर है, या ये कौल फैल हाल, तो सब में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही तेज व्याप्त है, तो उनके वचन में हो, उनके आचरण में हो, अथवा तो उनके मनस्थिति में हो, तो सब में यही भरा हुआ है। महामत कहे ए मोमिनो जो अरवा अरस अजीम, तो महामति कहते हे ब्रह्मात्मा हो, यदि तुम अक्षरातीत परमधाम के हो तो इश्क प्याले लीजियो, प्रेम के प्यालों को भर भर के पी लो। भर भर नूर हलीमा, भर भर के ये नूर प्रेम का प्याला है, वो प्रकाश का है, उसको तुम पीते रहो। हलीम कहते हैं ना, तो वैसे कुछ वस्तु के लिए भी होता है, और ये खास करके खाद्य वस्तु जो बिल्कुल नरम हो, ऐसे कोई भी बड़ी कोमल और नरम ऐसी वस्तु हो, तो जल वगैरह भी ऐसे ही है। अब वो प्रेम है अक्षरातीत का, वो तो सबसे नरम होगा ना, तो इसलिए उसके लिए ये कहते हैं। अब दुनिया में तो जैसे नरम नरम सॉफ्ट कोई भी वस्तु है तो सारे वो उसको हलीम बोल सकते हैं, कोई नरम कोई वस्तु भी हो, खाद्य पदार्थ भी हो और वस्तु भी हो, उसके लिए हलीम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अक्षराते धामधनी का प्रेम है तो वो तो बिल्कुल लेने जैसा है, इसलिए इसको भर भर करके पी लो। तो ऐसे इसका आस्वादन करते रहो, हमेशा ये चिंतन करो, बड़ा अच्छा लगेगा, कहीं कठोरता नहीं है, सर्वत्र कोमलता है और बड़ा अच्छा लगेगा, तो ये कहना चाह रहे हैं। अभी इस प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भर भर नूर हलीमा, महामत कहे मोमिनो, महामत कहे मोमिनो, जो अरवा
जीमा इश्क प्याले लीजियो भर भर नूर हलीमा भर भर नूर हलीमा भर भर नूर हलीमा भर भर